असलम जूटी फैमिली अपना घर डॉट पी के के साथ असद अलीज़ बैक और आप सबको अचानक और गुज्त ईद मुबारक एंड थैंक यू सो वेरी मच फॉर ऑल द विशेज़ एंड लव एंड एप्रिसिएशन एंड द सपोर्ट काफ़ी सारे मैसेज आए आप लोगों के और uh, मैं तो इंतज़ार कर रहा था कोई शेर खुरमा कोई मिठाई वगैरह भी आएगी लेकिन वो नहीं आई खैर सो आज की हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और वी आर इन पाकिस्तान टाउन फेज़ वन और घर सबसे पहले आप देखने फिर आगे आपको सर्विसेज के हवाले से फैसिलिटीज़ के हवाले से और क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन के हवाले से हमेशा की तरह एक डिटेल डिटेल्ड रिव्यू प्रोवाइड uh, करेंगे आपको सो so, सबसे पहले आप स्ट्रीट देख लें थर्टी फीट वाइड स्ट्रीट इज़ ऑन द राइट साइड एंड थर्टी फीट वाइड स्ट्रीट ऑन द लेफ्ट साइड घर तमाम यहाँ पे बने हुए हैं अभी हम कुछ बात कर लेते हैं घर के फ्रंट फेसिंग की यहाँ पे आपकी ब्राउन टाइल्स और ऑफ वाइट कलर इस्तेमाल हुआ हुआ है तो मेजर हाईलाइट इस घर की जो है वो है इसकी प्राइस अब बताता हूँ क्यों क्योंकि जिस इलाके में घर वाके यहाँ पे अप्रोच बहुत अच्छी है यहाँ पे तमाम इम्यूनिटीज़ अवेलेबल है यहाँ पे फैसिलिटीज़ आपको बहुत ज़्यादा हैं और अब मेन चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको नया घर आजकल नहीं मिल रहा क्योंकि आपको पता है एक वेल uh, well, uh, ऑर्गेनाइज इलाका है जहाँ पे तमाम घर बन चुके हैं और कम्युनिटी यहाँ पे बहुत अच्छी है तो यहाँ पे आई डोंट थिंक कि इससे सस्ता आपको पाँच मरल का डबल स्टोरी ब्रांड न्यू हाउस और इस क्वालिटी में बना हुआ मिल सकता है तो अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आप इस तरह के रिव्यूज़ देखते रहें और uh, वीडियो लाइक भी कर देना यार क्या चाहता है एक बटन ही तो प्रेस करना है चलें मैं इंतज़ार करूँ लाइक करें लाइक कर लिया चले अब आगे चलते हैं वीडियो में तो so, अब हम स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो और सबसे पहले गुड न्यूज़ के यहाँ पे टाइल फ्लोरिंग इस्तेमाल हुई हुई है सिंपल रखी गई हैं चीज़ें कुछ कॉम्प्लिकेटेड करने की ज़रूरत नहीं थी और ना किया गया है ब्लू जो है इन्होंने रोप लाइट दी गई है सीलिंग के अंदर और जो कि मैच किया इन्होंने कबर्ड जो सामने आपको नज़र आ रही है उसके बॉर्डर से ठीक है तो ये चीज़ मुझे अच्छी लगी है और इसके अलावा आप लोग यहाँ पर ड्राइंग रूम देख लें ड्राइंग रूम की सीलिंग वर्क आप लोग देख रहे हैं अगेन उसी तरीके से चीज़ें काफ़ी सिंपल येट स्टाइलिश रखी गई हैं मुझे वैसे अगर मुझसे पूछा जाए तो आप लोग प्लीज़ पाँच महल के घर में ना इतना एक्स्ट्रा चीज़ें मत किया करें क्योंकि पाँच महल के घर साइज़ अच्छा होता है लेकिन इतना बड़ा नहीं होता तो उसमें अगर आप बहुत सारी चीज़ें फिक्स कर देंगे लगा देंगे तो वो आपको ना उसमें सफोकेशन फील होगी ठीक है तो इसके अलावा ये स्विच वगैरह जो होते हैं सर्किट्स होते हैं ये आप लाजमी देख लिया करें घर ख़रीदते वक्त ये आपके जो हैंडल्स होते हैं इसके अलावा दरवाजे की क्वालिटी ठीक है क्योंकि यही चीज़ें होती हैं जो आपकी हर वक्त इस्तेमाल होनी होती हैं तो इनकी क्वालिटी आपको दमाग होनी चाहिए हर लिहाज से तो इसके बाद हम फर्दर यहाँ पे बॉर्डर्स देख लेते हैं जो कि वुडन लेमिनेशन यहाँ पे इस्तेमाल हुई है अच्छी क्वालिटी की है इसके अलावा टीवी लाउंज की कबर आप देख लें ये भी अच्छी क्वालिटी की है और आप डॉर्स चेक कर सकते हैं तो मुझे ऐसा कोई फ्लॉज नज़र नहीं आया इस घर में लेकिन आगे चल के एक दो जगहों पे मुझे कुछ थोड़ी सी तश्श का इजहार हुआ तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा तो अभी अगेन टी वी आप लोग देख रहे हैं और किचन यहाँ पे क्लोज है ओपन किचन नहीं है तो सबसे पहले हम चलते हैं किचन के अंदर तो वुडन फ्लोरिंग हुई भी यहाँ पे ठीक है तो लेकिन वुडन फ्लोरिंग का मैं फ़ैन इसलिए नहीं हूँ कि ये अक्सर फूल जाती है ठीक है मैंने काफ़ी घरों में देखा है कि इस पर अगर पानी गिरे क्योंकि किचन में ऑब्वियसली पानी तो गिरता है तो ये फूल जाती है तो अवॉइड ही करनी चाहिए किचन में ये ड्रॉर्स आप देख लें और इनकी क्वालिटी भी अप टू द मार्क है अच्छी है जो वुडन लेमिनेशन यहाँ पर इस्तेमाल की है उसका डिज़ाइन भी अच्छा लग रहा है मुझे रेड और ब्लैक का थीम रखा गया है तो दरवाज़े भी इस घर में जो है वो अप टू द मार्केट ठीक है जो वुडन क्वालिटी है इनकी वो भी ठीक है क्योंकि आपको पता है पिछली कुछ वीडियोस में ऐसे घर भी थे जिनके मुझे डोर्स पसंद नहीं आए थे मैंने आप लोगों को बिल्कुल हाईलाइट करके बताया था कि यार ये बिल्कुल चीप क्वालिटी के हैं तो अब यहाँ पर हम आ चुके हैं और यहाँ पर आपको लग रहा है सामने पी पैनल तो मैंने देखा कि यार ये पी पैनल इन्होंने क्यों लगाया हुआ तो अभी आपको दिखाता हूँ कि मुझे कुछ अजीब चीज़ क्या लगी थी यहाँ पर सबसे पहले आप पी पैनल देख लें इसका डिज़ाइन ठीक है तो मैंने नीचे देखा कि थोड़ी सी सेम आई हुई है अब आई डोंट नो शायद इतनी ही जगह पे सेम आई हुई है या इसने छुपाने के लिए पूरी वॉल पे पीवीसी पैनल कर लिया मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है तो अगर ये इस घर के ऑनर वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ क्लैरिफाई कर दें आप और कमेंट में इस चीज़ का इजहार कर लीजिएगा और बुरा मत बनाइएगा क्योंकि मेरी जॉब है ये कि हर बंदे को अगर जिसने खरीदना है ऑब्वियसली ही इज़ पेइंग टन्स ऑफ अमाउंट तो उसको सही चीज़ मिलनी चाहिए बहरहाल सेम से इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन इट इज़ माय ड्यूटी टू शो ईच एंड एवरीथिंग तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे वॉशरूम में एंड टाइल्स यहाँ पे दी गई हैं पर्सनली मुझे डार्क टाइल्स पसंद हैं वॉशरूम में लेकिन प्रेफ्रेस ऑब्वियसली मैटर करते हैं हर किसी के और रोज़ा रख के ये वीडियो बनाई थी अभी तो सिर्फ वॉइस ओवर ही कर रहा हूँ मैं इसके ऊपर तो इसलिए मेरा मुँह आप लोगों को लटका हुआ नज़र आ रहा होगा तो अच्छा यहाँ पर ये यह अच्छी चीज़ है यहाँ पर रूफ एग्जॉस्ट दिया गया है और इसके बाद यहाँ से हम बाहर की तरफ आते हैं और अगेन देख लें यहाँ से हम एंटर हुए थे दिस इज़ योर ड्राइंग रूम टी वी लाउच टू बेडरूम्स और अभी बेडरूम नंबर टू की तरफ हम यहाँ पर आ जाते हैं और वो हमारी अलमशहूर अलमाफ चार पाई आ गई है और अगेन यहाँ पे सीलिंग वर्क आप देख लें ब्लू उसमें रोप रोपलाइट इस्तेमाल हुई है अब देखें यहाँ पे इन्होंने पीवीसी वी नहीं इस्तेमाल किया हुआ ठीक है तो अब लॉजिक मुझे समझ नहीं आ रही कि उस रूम में करने की क्या ज़रूरत थी अगर कुछ अगर आपने करना होता ना तो दोनों रूम्स में होता ठीक है ताकि थीम मैच करता तो आई थिंक वहाँ पर सेम का इशू था तो इसलिए उन्होंने ये चीज़ इस्तेमाल की है और तो फर्दर अब हम आगे चल रहे हैं वॉशरूम की तरफ और दिस इज़ योर वॉशरूम कुछ एक्सेसरीज़ बेहतर होती हैं तो इट वुड बी एप्रिशिएटल क्योंकि सिंक वग़ैरह जो हैं सिंक्स जो हैं बिल्कुल नॉर्मल क्वालिटी के हैं और भाई साहब को आप देख लें इनको वीडियो आने का बहुत शौक़ होता है और इसके अलावा आप आ, वुडन लेमिनेशन यहाँ पे आप देख लें और कबर्ड्स uh, uh, की फिर इसके बाद आपका आ जाता है ये पीछे छोटा सा एरिया है ओपन एरिया और ये बताऊँ कि ये घर जो है बिल्कुल पाकिस्तान डाउन के बॉर्डर पर वाक़ है uh, जिस तरह होता है ना एल ओ सी इंडिया और पाकिस्तान की इसी तरह पी डब्ल्यू डी और पाकिस्तान टाउन के बॉर्डर पे वाक़ है इसके पीछे जो है वो पी डब्ल्यू डी आपका स्टार्ट हो जाता है इस घर की बाउंड्री वॉल के साथ तो अभी यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और इस घर की फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लें जो अभी तक नहीं की पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं सप्लाई का पानी आता है गैस यहाँ पे कभी भी नहीं जाती इवन सर्दी में भी नहीं जाती क्योंकि ये आईबी की सोसाइटी है तो यहाँ पे कभी गैस नहीं जाती और सामने आप देख लें मस्जिद भी बनी हुई माशा तो अगर नमाज़ वग़ैरह आप लोगों ने पढ़नी पढ़ है तो मस्जिद आपके चंद कदमों पे है तो ये खुशकस्मती होती है कि आपके घर जो है वो मस्जिद के करीब है तो अभी हम प्राइस की बात कर रहे हैं तो वन करोड़ थर्टी फाइव थर्टी फोर लैक्स वन करोड़ थर्टी फोर लैक्स इस घर की डिमांड है और आई थिंक कि मेरा ये ख्याल कि आपको पी पाकिस्तान टाउन फेज़ वन फेज़ टू जितने भी इलाके यहाँ पर पाँच मिनट के घर इस प्राइस में नहीं मिले वाला इवन संग गार्डन जो है वहाँ पर भी, भी आपको नहीं मिलता सो so, uh, यहाँ पे जो रोलिंग इस्तेमाल हुई हुई है वो भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी की है ग्लास वर्क बीच में हुआ हुआ है और जो इन्ग्रेवड है डिज़ाइन से सामने आप स्ट्रीट देख लें एक बड़ा प्यारा सा दरख्त लगा हुआ है और आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप जहाँ भी घर बनाते हैं प्लीज़ अपने क्यारी में या सामने कोई भी जगह वहाँ पर एक दरख्त लगा दिया करें क्योंकि एक ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और मैं पर्सनली नेचर का बहुत फ़ैन हूँ आप लोगों ने शायद मेरी फ़ोटोज़ भी देखी हों मैं पाकिस्तान के नॉर्दन साइड पर जाता हूँ और मैं घूमने फिरने काफ़ी शौकीन हूँ तो मुझे ग्रीनरी से ना मोहब्बत है तो प्लीज़ हम हर जगह पे सोसाइटीज़ बनाई जा रहे हैं कंक्रीट के जो है हम शहर आबाद किए जा रहे हैं तो गर्मी होनी है ग्लोबल वार्मिंग होनी है मेरी रिक्वेस्ट है मतलब मैं रिक्वेस्ट इतने आपसे हम्बल तरीके से कर रहा हूँ कि प्लीज़ अपने घर के सामने एक दरख्त लगा लिया करें ताकि आपको वो साया दिया करें आ, मेरा दिल दुखता है कि हम ये कंक्रीट के शहर आबाद किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं और ख़ैर वीडियो पे वापस आते हैं मैं कुछ ज़्यादा सेंटिमेंटल हो चुका था क्योंकि मैं इस चीज़ पे बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता तो यहाँ पे आप देख लेंगे अगर हम सेकंड पोर्शन में आ गए और आपका ये ड्राइंग रूम आ चुका है फिर इसके अलावा अगेन ऊपर बिल्कुल सेम चीज़ें बनी हुई हैं मैं अगर ना भी दिखाता ऊपर वाला पोर्शन तो इसमें कोई हर्ज नहीं था लेकिन ऑब्वियसली आप लोगों को दिखाना लाजमी होता है ये आपका ब्लू बॉर्डर्स है यहाँ पर और वही सीलिंग वर्क है एंड टाइल्स सेम है आई गेस लाइट्स डिफरेंट है आप लोगों ने बताना है मुझे कि लाइट्स डिफरेंट हैं कि नहीं कमेंट में देखें क्योंकि मुझे याद नहीं कि नीचे वाले पोर्शन में कैसी लाइट्स थी और जो आपका किचन है उसके कैबिनेट्स वगैरह उसके शेल्व उसकी टाइल्स बीच एंड एवरी इज डिटो कॉपी तो बहरहाल अगर हम बात करें इस घर की कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी की तो मैंने जहाँ तक देखा है कि कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी इस घर की बहुत अच्छी है मोस्टली वॉल्स वर मतलब बल्कि सारी वॉल्स नाइन इंच की थी और जो इसके ऑनर हैं उन्होंने मुझे ये कुछ वीडियोस भी सेंड किए हैं जो जो के घर बनाते वक्त किए इसमें बीम्स और कॉलम्स उन्होंने हैं कि जी इतने इतने यहाँ यहाँ पे डले हैं तो अगर आप घर लेंगे तो आपको वो ख़ुद भी वो ये चीज़ शो कराएंगे तो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन मुझे पसंद आई है इस घर की वॉशरूम के एक्सेसरीज़ अगेन वही बात बेहतर हो सकती थी थोड़ी सी इसमें ख़र्चा किया जा सकता था जहाँ पर थोड़े से पैसे मुझे लगता है कि बचाए गए हैं और ये आपकी आ जाती है कबर्ड और अभी हम यहाँ से निकलते हैं तो अगेन फैसिलिटीज़ की बात करूँ तो पानी बिजली गैस तीनों चीज़ें मौजूद हैं और कसीर तादाद में मौजूद हैं और इसके अलावा पी का सिविक सेंटर बिल्कुल साथ लगता है आप लोगों को पता है राहुल पंडी इस्लामाद का वन ऑफ़ द मोस्ट बिगेस्ट आ, कमर्शल एरिया जहाँ पे तमाम ब्रांड्स मौजूद हैं फिर उसके बाद आपका एक्सप्रेस वे आ जाता है फिर यहाँ से आपका सीधा आप जाएँ तो बैरियर टाउन शुरू हो जाता है तो एक प्राइम लोकेशन पे ये घर वाक़ है और अगेन यहाँ पे हम आए हैं इसकी आ, आप लोग देख लें कबर्ट की लेमिनेशन और सेम सिचुएशन है यहाँ पे इंडियन सीट दी गई है और उसके साथ सिंक वगैरह तो इंडियन सीट से याद है कि एक दफ़ा एक वीडियो में शायद मैं वाकई दूसरी बार जिक्र कर रहा हूँ कि वीडियो में मैं गलती से इंडियन सीट को उर्दू सीट बोल दिया ठीक है तो लोगों ने अच्छा खासा जो है मुझे खींचा उस पर और इट वॉज़ जस्ट स्लिप ऑफ टंगसली उर्दू हमारी लैंग्वेज uh, है और उससे हम बहुत मोहब्बत करते हैं तो अभी आप देख लें रिलिंग वगैरह भी देख लिया करें कि ये किस क्वालिटी की अच्छी है आ, ये वाली स्टील रिलिंग दी गई है और ये एग्जॉस्ट है आपका किचन का तो ओवरऑल अगर आप मेरे से आ, इस घर के बारे में पूछें तो मैं तो टोटली रिकमेंड करूंगा क्योंकि प्लॉट की प्राइस जो यहाँ पे है प्लॉट तकरीबन तकरीबन 70 टू 75 फाइव लैक्स का यहाँ पे सिर्फ प्लॉट मिलता है ठीक है घर की कंस्ट्रक्शन भी अच्छी हुई हुई है घर अच्छी जगह पे भी है तो बहुत मुनासिब प्राइस है 134 आजकल आजकल के दौर में बहुत मुनासिब है एंड छत में हम आए हैं यहाँ पे चिप्स गिवन है और अगर रेंटल वैल्यू की बात करें तो तकरीबन सिक्सटी थाउजेंड यहाँ पर रेंटल वैल्यू भी है ये पीछे आपका मैंने बताया था पी डब्ल्यू डी है बिल्कुल इसके साथ सो ओवरऑल एवरी थिंग इज़ ओके कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी भी अच्छी है लोकेशन बहुत अच्छी है तो मेरी तरफ से मेरी तरफ से फुली रिकमेंडेड है ये घर आप लोगों के लिए अगर आप लोगों के पास इतनी अमाउंट है तो आज की वीडियो आपको उम्मीद करता हूँ अच्छी लगी होगी नेक्स्ट वीडियो के लिए मिलते हैं अल्लाफ़